नई नोटबंदी के ऊपर उत्तर भारत का पर्यटन विभाग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि गुरु नगरी अमृतसर में पर्यटकों की संख्या ना के बराबर हो गई है तथा विदेश से आने वाले यात्री कम संख्या में भारत में आ रहे हैं। इस बीच अमृतसर का होटल उद्योग इस मार में फंस गया है। इस बीच जानकारों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों में पंजाब में और खास करके पर्यटन का सीजन होता है, साथ ही इस वक्त सर्दी के मौसम के आनंद के लिए NRI आते हैं, लेकिन नोटबंदी के कारण विदेश से टूर पैकेज रद्द हो गए हैं। जदों दी मोदी साहब ने TV च अनाउंसमेंट की है 500,000 नोटबंदी, उस दिन तो बाद जिस तरह साढ़े उत्ते प्रलय ही आ गई है, है जी। सारे जिन्हें टूर पैकेज जाने वाले से सारे सारे साढ़े कैंसल हो गए ने, ते ऑलरेडी जिन्हें टूर पैकेज बुक सी उन्होंने भी पशु पश पै गए ने कि वो जान के ना जाने। देखो जी, अगर सर्दियों के दिन शुरू हो गया है तो लोग गर्मियाँ अवॉइड करके सर्दियों उन्होंने प्लैन किया होंगे कि सर्दियाँ जावे बाबा जी का मत्था टेकेंगे, वो सारे सारे प्लैन सारे सारे अपसैट हो गए हैं तो कैंसल हो गए हैं। दूजी गल रही विआह शादियों की, विआह शादियों का भी बड़िया शादियां जड़िया है पोस्टपोन हो गई वे, तो लोगों ने अपनी जड़िया पांच पार्टियां करते सी वो एक पार्टी ते आ गए हैं, तो सिचुएशन अज इस तरह की हो चुकी है क्योंकि कैश की इन्नी दिक्कत आ गई है अज की तरीक में। किसी ने अपनी जो लोकल भी जाना है वो बेचारे की टिकट 5-7 हज़ार रुपये की बन रही है, तो वह बेचारे को पैसे ही है नहीं वो वास्ते, तो बैंक की लाइनों में लग लग के बेचारा खपन दिया है जी। तो वो साढ़ा अज 4 दिन हो गए बिल्कुल असी जड़ा है आराम ना बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही शांति जी शांति चल रही है। ये जो करेंसी एक्सचेंज का जो इश्यूज अभी चले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, मेजर इसमें जो हमारा होटल इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। स्पेशली हमें रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिस्ट से, इससे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। किसी के पास कैश नहीं है, कार्ड में हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, और हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो सिर्फ कैश से होता है क्योंकि कार्ड्स पेमेंट के जो गेस्ट हैं बहुत कम होते हैं।